यहाँ पर गुजरात में एक युवती इस मांझे की चपेट में आई और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। गुजरात के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है, एक लड़की खत्म हो गई जिसका गला कट गया था। ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं और कई पक्षी बहुत गिनती में नहीं आ रहे हैं, किसी के पंख कट जाते हैं, किसी का गला कट जाता है। चाइनीज मांझे की चपेट में आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इन तस्वीरों को देखने से सुनने से पहले हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले कुछ महीनों पहले बाड़मेर के नेहरू नगर ब्रिज पर चाइनीज मांझे की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले गुजरात में एक महिला की जो है चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी। हमारे तमाम दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और कल मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझे का उपयोग मत करिएगा। इंसान ही नहीं, कई पक्षी जो हैं वो भी इस चाइनीज मांझे की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। हमारे तमाम दर्शक कल चाइनीज मांझे का उपयोग मत करिएगा और आपके आसपास जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहा है उसको भी आप रोकिएगा, ताकि किसी व्यक्ति की, किसी महिला की चाइनीज मांझे की वजह से मौत ना हो। आज बाड़मेर के रेलवे स्टेशन के पास बाड़मेर के कई युवाओं ने जो है एक अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। बिल्कुल काबिले तारीफ है इन लोगों का ये अभियान, ताकि किसी व्यक्ति की जो है मौत होने से बचाई जा सके। हमारे तमाम दर्शक से अपील रहेगी कल मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा अगर कहीं बिकता है तो आप पुलिस को सूचित जरूर कीजिएगा, ताकि चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जा सके, चाइनीज मांझा बिक्री से रोका जा सके। एक बार हमारे तमाम दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अशोक सेरा टीम से मैं आपका साथी उमेद बहरानी, अगली खबर तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखा युवा साथियों को, ये चाइनीज मांझे को बंद करवाने के लिए, उसकी बिक्री बंद करवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान के रूप में एक शानदार पहल चला रहे हैं। तो मैंने इस पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ अपने मन में ही एक शपथ ली है कि न तो मैं अपने परिवार में और न ही अपनी मित्र मंडली में किसी को भी चाइनीज मांझे को यूज करने नहीं दूंगा। इस चाइनीज मांझे से जो घटनाएं हो रही है, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं। चुनावों के समय यह घटना हुई थी, एक बच्चा पद साथी अपने परिवार के साथ घर जा रहा था बाड़मेर नेहरू नगर ओवर ब्रिज पर, चाइनीज मांझे की चपेट में आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद कल ही की घटना यह है जहां पर गुजरात में एक युवती इस मांझे की चपेट में आई और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि आप भी अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जितनी भी मित्र मंडली है, उन सबसे अनुरोध करें कि इस जानलेवा चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। यह हमारे लिए खतरनाक है, अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस मांझे को आप यूज ना करें और ना ही करने देवें। मेरा नाम सोमपुर स्वामी है जी। स्वामी सर जी, क्या मतलब किस मामले को लेकर कैसे आपने अभियान चलाया? क्या ये सर जो चाइनीज मांझा है ना, आजकल चाइनीज मांझे क्या चलती गाड़ी से कोई कट जाता है, मृत्यु हो जाती है, और फिर हमारे ऐसे पक्षी हैं जो कि वो भी खत्म हो जाते हैं। इसके लिए अभियान चलाया, चाइनीज मांझा है कि एक तरह का प्लास्टिक आता है जिसकी वजह से वो टूटता भी नहीं है, और उससे क्या है जैसे गला कट जाता है, पक्षी के पंख कट जाते हैं, वो तड़पते हैं। इसलिए अभियान चलाया गया कि चाइनीज मांझा बंद हो। सर एक पहले बाड़मेर में कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें नेहरू नगर ब्रिज के ऊपर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी चाइनीज मांझे को लेकर। बिल्कुल, नेहरू नगर में भी यह घटना हुई थी, उसके बाद में और भी कई घटनाएं हुई है। कल भी अभी अखबार में आ रहा था, कोई अपने गुजरात के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है, एक लड़की खत्म हो गई जिसका गला कट गया था। ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं और कई पक्षी बहुत गिनती में नहीं आ रहे हैं, किसी के पंख कट जाते हैं, किसी का गला कट जाता है। इसके लिए अभियान चलाया गया और बहुत अच्छा अभियान है, और चाइनीज मांझा जहां तक वो बंद हो। आज ये क्या अभियान है और इसके तहत क्या आप मतलब संदेश देना चाह रहे हो? ये चाइनीज मांझा बंद करो अभियान है जिसके अंदर हस्ताक्षर चल रहे सभी के, और ये संदेश देना चाहते हैं कि जाएंगे चाइनीज मांझा खरीदना बंद कर दो,
और जहाँ तक दिखे इसके संबंध में आप पुलिस को सूचना कर सकते हो। चाहे नीचे वाला वैसे बैन है, चोरी छिपे कोई बेच रहे हैं, उसके संबंध में पुलिस को सूचना कर सकते हो।